जी स्टूडेंट, पेज नंबर 78 पर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है। सवालात के दो जवाब आप पर सही निशान लगाएं। आयशा किसकी साहबजादी थी? हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा। आपको बताया इस चैप्टर स्टार्ट करते हुए भी, उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा की कुनियत क्या थी? उम्मे अब्दुल्ला, उम्मे ज़ुबैर या उम्मे कासिम? बेबी हजरत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने भांजे यानी अपनी बहन के बेटे के नाम पर अपनी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला रखी थी। उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका ने कितनी अहादीस रवायत की? सबसे ज़्यादा औरतों में अहादीस हजरत आयशा सिद्दीका ने ही रवायत की हैं, 2200। हजरत आयशा सिद्दीका की वफ़ात किस सन हिजरी में हुई? 60 में, 58 में या 40 में? तो 58 हिजरी में हुई। उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कितनी औलादें थीं? दो, कोई नहीं या एक? कोई औलाद नहीं थी। फिर खाली जगह हैं। हजरत आयशा का लकब क्या था? सिद्दीका और हुमैरा। हजरत आयशा सिद्दीका की वालदा का नाम मेरुमान। हजरत आयशा सिद्दीका ने गज़वे अहद और गज़वे खंदक में शिरकत की। एज अ सिपाही, मतलब सिपाही के तौर पे नहीं लड़ी, लेकिन जितने जख्मी सिपाही थे उनकी जिम्मेदारी के लिए ज़रूर शिरकत की उन्होंने। फिर हजरत हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में आखिरी आयाम दैश के यहाँ गुजारे? हजरत आयशा के खेमे में या उनके हजरे में ही गुजारे। फिर हजरत आयशा सिद्दीका बहुत फयाज और मेहमान नवाज थी। ये कम्प्लीट ही करना है आपको। इसके अलावा इस चैप्टर को थ्रू आउट पढ़िएगा। इसी चैप्टर से मजीद एमसीक्यूज भी आपके पेपर में शामिल हो सकते हैं। एज यू नो स्टूडेंट्स के आपके जो हैं वो एग्ज़ाम्स स्कूल खुलने वाले, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उसके साथ ही आपका जो है वो होमवर्क कम्प्लीटली फिनिश हो ही चुका है। ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने के बाद आपके पेपर्स की प्रिपरेशन होगी, तो ये थ्रू आउट चैप्टर पढ़ेंगे ताकि एमसीक्यूज की तैयारी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या नोट जो भी है उसकी तैयारी आपकी साथ साथ होती रही। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। जी फ्रेंड्स, अपनी डायरी नोट कर लें। जमात खातून सब्जेक्ट इस्लामिया, सबक मशाहिरे इस्लाम, हजरत आयशा सिद्दीका से दुरूद जवाब और खाली जगह पुर करें। ये दोनों चीज़ें आपको करनी है अपनी कॉपी में और बहुत नीचे क्लीन कर कीजिएगा। सफ़ा नंबर 78 है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।